वो सारे पेशेंट्स जो के बांझपन या बेऔलादी की वजह से परेशान हैं, वो हमें विजिट करें और बेहतरीन इलाज करवाएं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है कि बांझपन की वजूहात क्या हैं। बांझपन की वजूहात दोनों तरीके से, मतलब मेल फैक्टर भी है इसमें इन्वॉल्व होता है, फीमेल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो फीमेल से रिलेटेड है। फीमेल्स में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो किस किस वजह से जो है बांझपन हो रहा है, तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगी वो आजकल जो यंग लड़कियां हैं खुसूसन, वो जंक फूड और ये इस तरह की चीज़ें बहुत लेती हैं, उसकी वजह से भी यूजुअली हर सेकंड पेशेंट जो है हमारा वो विद पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब है कि इनके अंडे मैच्योर होके ओवुलेट नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ नेचुरल कंसेप्शन नहीं है, बिल्कुल उसके साथ नेचुरल कंसेप्शन भी होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इसके साथ वो कंसेप्शन में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है और वो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं। सेकंड आ जाए एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस भी एक जो है फीमेल्स के लिए छोटी छोटी जो है रसूलियाँ होती हैं जिसमें कुछ पानी और कुछ खून और ये चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से उनकी एग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है और उसमें भी इनको प्रॉब्लम होता है कंसेप्शन में। जो मेन फैक्टर है बांझपन का वो है ट्यूबल ब्लॉकेज, मतलब फीमेल की जो है दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों, तो इस सूरत में जो है वो कंसेप्शन नहीं हो रहा होता है। फोर्थ फैक्टर पे आ जाएं तो रेज्ड FSH। आजकल जो फीमेल्स का यूजुअली यंग फीमेल्स में भी हम देख रहे हैं कि FSH लेवल समटाइम्स बहुत हायर साइड पे है, यानी कि जो उनके अंडे बनाने की या ओवुलेट करने की सलाहियत है वो कम होती जाती है, अर्ली मेनोपॉज की तरफ जा रही है, मतलब उनकी जो है जल्दी माहवारी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब उनके अंडे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में भी औरत जो है कंसीव नहीं कर पाती है। इसके अलावा भी बहुत सी वजहें, सम टाइम तो ऐसा होता है कि फीमेल्स को सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं लाइक TSH लेवल अगर फीमेल का सही नहीं हो तो उस वक्त भी वो कंसेप्शन में उसको प्रॉब्लम होती है, या अगर कंसीव कर ले तो एबॉर्शन हो सकता है। TSH लेवल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है फीमेल्स में, अगर ये लेवल ठीक है तो कंसेप्शन जो है वो भी होती है और उसके अलावा प्रेगनेंसी आगे सही चलती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखें हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ, एंडोमेट्रोसिस के साथ, ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ और हायर FSH के साथ जो है हम जो पेशेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं वो IVF है, लेकिन FSH के ख़ास लेवल पे ही हम IVF ऑफ़र कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ अगर वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे तो हम उसको IVF की तरफ नहीं ले जाते। लेकिन ट्यूबल ब्लॉकेज में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि कारामद या सक्सेसफुल जो है वो IVF ट्रीटमेंट है। इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस के साथ भी हमारे काफ़ी पेशेंट IVF के साथ प्रेग्नेंट हुए हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो बड़ी कॉमन है और इसमें भी कंसेप्शन विद IVF बहुत अच्छा है। ऐसे सारे लोग जो बांझपन या हम कहें इनफर्टिलिटी की वजह से परेशान हैं, औलाद के ना होने की वजह से परेशान हैं, वो हमारा जो क्लिफ्टन में सेंटर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सर्ट फर्टिलिटी सेंटर विजिट करें और अपना बेहतरीन इलाज करवाएं।